भगवान भोले को करना है प्रसन्न, तो शिवरात्रि के दिन न करें इन चीजों का सेवन। महाशिवरात्रि का दिन व्रत और उपवास करने का दिन है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ वर्जित चीजों को खाने से परहेज करें। महाशिवरात्रि हिंदी महीने फाल्गुन के चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से भोले जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए जाने उन चीजों के बारे में जिसे इस खास दिन खाना और नहीं खाना चाहिए। फलों और चाय का सेवन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रतधारियों को शिवरात्रि पर चावल, दाल, गेहूं से बने खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जो लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं उन्हें फल, दूध, चाय, कॉफी आदि का सेवन करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। खान पान। महाशिवरात्रि के दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन उपवास रखने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। कुछ लोग इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, वहीं कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुटू का आटा और सेंधा नमक, आलू, साबूदाना से बने व्यंजन ही खाना चाहिए। सबसे खास बात, इन सभी चीजों को तेल के बजाय घी से बनाना चाहिए। सिंघाड़े के आटे से कटलेट बना सकते हैं। गाजर के साथ आलू व शिमला मिर्च जैसी सब्जियों को घिस लें और सेंधा नमक मिर्च डालकर उसका मिश्रण बना लें। फिर उसका गोला बनाकर तेल में फ्राई कर लें। आपको ये भी बता दें कि कटलेट में काफी मात्रा में फाइबर होता है। दूध से बनी ठंडाई भी पी सकते हैं। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बादाम, पिस्ता, काजू, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स डालकर ठंडाई बनाई जाती है। आप दूध में इन चीजों का पेस्ट बनाकर मिला लें और उसमें केसर, शक्कर, इलायची, सौंफ डालकर पी लें। इससे शुगर लेवल भी सही रहता है।